हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल आपके सामने हूँ। आज हम लोग कंपनी लॉ के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आपके मन में जितने भी डाउट्स है कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इन न्यूमेरिकल्स का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन लगेगा, ये सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। आई नो आज का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़कर गए होंगे तो पेपर मैनेजेबल था। आई हैव सीन कि आप इजिली स्कोर कर सकते हो यहाँ पे 60+। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम रिवर्स से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता था कि सुनील एक शेयर होल्डर है जेजे केमिकल्स लिमिटेड में। अभी उसका कॉन्फिडेंस चला गया एमडी से, बिकॉज एमडी इज नॉट लायबल टू रिटायर। ठीक है, एंड वो रिटायर होता है रोटेशन से, फिर से अपॉइंट हो जाता है, बार बार रीअपॉइंट हो जाता है फॉर 5 ईयर्स। अभी लास्ट एजीएम में रीअपॉइंट हुआ है, तो सुनील को क्या करना चाहिए, व्हाट सुनील कैन डू, और कंपनी को क्या स्टेप्स लेना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा रेफरेंस लिया गया है बेटा जनरल मीटिंग में सेक्शन नंबर 115 से, विच इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, जो चार चीजों के बारे में बात करता है। अगर आपको डायरेक्टर को रिमूव करना है, अपॉइंट करना है, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, या फिर ऑडिटर को रिमूव करना है, ये सारी बात आपका सेक्शन 115 करता था। तो ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्शन 115 को एक्सप्लेन करना था, ये जो पर्सन रहेगा कितने दिन पहले नोटिस भेजते, ये सारी बातें आपको बतानी, उसकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 1% ऑफ द वोटिंग पावर, या फिर 5 लाख रुपीज के शेयर्स उसके पास होने चाहिए। एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, इट इज क्वाइट मैनेजेबल। ठीक है, इसमें प्रोविजन समझा आपको। नेक्स्ट है हमारा, रोहित है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ही वांट्स टू इंस्पेक्ट, जो भी मिनट्स होते हैं ना बोर्ड मीटिंग के, उसे इंस्पेक्ट करना चाहता है और उसके एक्सट्रैक्ट लेकर जाना चाहता है। साथ में यहाँ पे पूछा है कि मिनट्स का प्रिजर्वेशन का पीरियड कितना रहने वाला है। सी, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है क्या? तो आंसर है यस, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ पे इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर ही बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर इज नॉट अलाउड टू इंस्पेक्ट, एंड एक्सट्रैक्ट भी आप ले जा सकते हो। सवाल आता है प्रिजर्वेशन का, क्या प्रिजर्वेशन पीरियड रहेगा, तो मिनट शुड बी प्रिजर्व परमानेंटली, ये मिनट्स को आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना पड़ेगा। इजी पीजी था, यू कैन कोट द सेक्शन ऑल्सो, सेक्शन 118। एकदम इजी क्वेश्चन थे ये दोनों एंड क्वाइट मैनेजेबल। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको एजीएम होल्ड करनी है कंपनी की, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी और ओपीसी, तो क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। तो एजीएम पूछी ना, तो सीधा साधा कहाँ चला जाएगा, हमारा सेक्शन 96 में। आपको पहले एक्सप्लेन करना है सेक्शन 96, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। उसमें आप बताओगे कि एजीएम शुड बी हेल्ड वंस इन अ ईयर, एक बार हो जानी चाहिए साल में, कब हो जानी चाहिए, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर आप क्या बताओगे, गैप के बारे में बताओगे, टोटल गैप कितना होना चाहिए दोनों एजीएम के बीच में, टोटल गैप नॉट मोर देन 15 मंथ्स, 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही में अभी बोला है लिस्टेड कंपनी है, तो आपको लिस्टेड कंपनी के एजीएम कंप्लायंस के बारे में बताना है, और ये बताना है कि जैसे ही आपकी जनरल मीटिंग होगी, जैसे ही एजीएम होगी, आपको सारी प्रोसीडिंग्स कहाँ बतानी है, 24 आवर्स के अंदर अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे ना कंप्लायंस पूछा है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का याद ध्यान रखना है। ओपीसी में ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड कि उसे एजीएम करनी पड़ेगी, हमने लिस्टेड कंपनी के लिए देखा, ओपीसी में जरूरत ही नहीं है एजीएम करने की, हेंस देयर इज ओनली वन मेंबर, तो अगर आप एजीएम नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। बताना मुझे कितना सही रहा। अब आई थी एक बड़ी सी केस स्टडी आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। ये केस स्टडी में आपके पास एक फाइनेंशियल डेटा दी गई थी एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था केएमपी से। मैंने आपको कल ही वार्म अप सेशन में बताया था कि एक क्वेश्चन केएमपी से आना तो फिक्स है, वही केएमपी से आया था जहां पर लॉसेस थे फाइनेंशियल ईयर में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देना है मैनेजिंग डायरेक्टर को, नाउ आपको एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन मिल सकता है इन केस ऑफ लॉस और इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, बिना किसी के अप्रूवल लिए आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना ले सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 196 शेड्यूल 5 पार्ट 2। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंशन करना है आंसर में सेक्शन 196 शेड्यूल 5 और पार्ट 2।
साथ ही में आप बताएंगे इफेक्टिव कैपिटल। सबसे पहले आपको याद हो तो एक टेबल होती है, टेबल के हिसाब से यू डिसाइड कि कितना रेम्युनरेशन मिलने वाला है, तो उधर आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना जरूरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस डेटा से निकालनी है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स अगर कुछ है तो हम उसे ऐड करने वाले, माइनस कर देते हैं हम आईपीएल, जो भी आती है इफेक्टिव कैपिटल उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन यहाँ पर कितना जाना चाहिए। मेन चीज आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर आपने प्रोविजन भी सही कर लिया है और बाय एनी चांस आपका न्यूमेरिकल का आंसर ऊपर नीचे रह गया तो एक या दो मार्क्स ही कटेगा, उससे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर नहीं कटता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो गए। अभी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, इसमें सारा सारा बात किसकी गई थी बेटा, ड्राफ्टिंग की करी थी। कल ही के वार्म अप सेशन में मैंने बताया है, कुछ बच्चे ड्राफ्टिंग की बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे कि ड्राफ्टिंग आपको ऑप्शनल में आता है, हियर इट इज, ड्राफ्टिंग ऑप्शनल में ही आया है। यहाँ पे आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना था कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट का, यहाँ पे नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग आपको ड्राफ्ट करना था, देन यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन था अप्रूवल का और अडॉप्शन ऑफ न्यू सीएसआर पॉलिसी, बोर्ड रिपोर्ट के अप्रूवल का एंड ईजीएम के मिनट्स के, ये सारे के सारे क्वेश्चन होल एंड सोल आपके ड्राफ्टिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, रिवर्स में ही सब चीज देखते जाते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है वेदर द ग्रुप ऑफ 1500 स्मॉल, अच्छा ये ना एक केस से रिलेटेड, एक बहुत बड़ा केस है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहले केस लॉ देख लेते हैं हम लोग। केस लॉ देख के ना बिल्कुल भी घबराना नहीं रहेगा आपको, ये केस लॉ क्या बात करता है। पार्ट टू जैसे स्टार्ट हुआ था इन्होंने सबसे बड़ा केस लॉ दे दिया ताकि बच्चा यहाँ पे घबरा जाए, तो इसलिए मैंने कहा था रिवर्स से स्टार्ट करना सो देट आपको कॉन्फिडेंस है। और आपने देखा होगा रिवर्स में बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे। इस केस लॉ में क्या हुआ, एक बनी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो चाहती है इन्वेस्ट करना, जिसने प्रपोज किया इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ हनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में। दोनों की आपको फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर दे रखी है। अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है कि बनी लिमिटेड ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया है। बनी लिमिटेड ने कंपनी ने ना गारंटी दी है 100 लाख रुपीज की, कितनी 100 लाख रुपीज की गारंटी दी है टू अ नेशनलाइज्ड बैंक रिचा लिमिटेड के लिए, उसने गारंटी दी है 100 लाख की। और साथ ही में एक हाउसिंग लोन भी लिया है उसने 20 लाख का, और हाउसिंग लोन किसको दिया है, एम्प्लॉयज को लेने के लिए उसने हाउसिंग लोन लिया है। ठीक है, चलो हनी लिमिटेड के लिए देख लो। हनी लिमिटेड बोलता है कि 330 लाख टोटल एसेट्स कितने उसके, 330 लाख इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, 200 लाख उसका इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट्स 330 में से 200 लाख उसने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, क्या मैं कह सकती हूँ 330 का मेजोरिटी पार्ट उसने इन्वेस्ट कर रखा है। जो भी इनकम डिराइव होती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स से इट वॉज 30 लाख एंड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है 100 लाख। ठीक है, चलो फिर इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, टोटल शेयर होल्डर्स में 20,000 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 20,000 ईच से कम के शेयर्स होल्ड कर रखे, उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड नहीं कर रखे, तो इन्हें हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर्स की तरह हम इसे स्पेसिफाई करेंगे। टोटल 1500 शेयर होल्डर्स है जो चाहते हैं कि मिस्टर एक्स को प्रपोज कर लिया जाए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। दो तीन बातें इस पूरे केस लॉ में दी गई। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहला पूछता है आइडेंटिफाई द अथॉरिटी एंड मोड ऑफ अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 80 लाख इन द इक्विटी शेयर्स इन द अबव सिनेरियो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी आपको दिमाग में आना चाहिए ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 186 के बारे में। सेक्शन 186 बोलता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्ट करने के लिए दो लिमिट से बेटा 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम सभी को आप एड लेस करने वाले हैं। उसके बाद जो अमाउंट आता है अगर वो इससे ज्यादा आता है, इसमें क्या करना है आपको, अगर वो इससे ज्यादा आता है तो क्या होगा बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? चलो देखो इसमें मैं एक चीज और तुम्हें बता देती हूँ जो मैंने देखी थी। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो ना तो आपको इधर आ जाएगा 168 और बेटा इधर आपको आ जाने वाला है 20। साथ ही में ये चीज आपको ध्यान रखनी रहेगी, मैंने क्या बोला है कि आप
तो अभी हम लिमिट्स देख रहे हैं, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 168 है, 100% ऑफ प्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम देखोगे तो 20, इतना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती, इतनी वो गारंटी दे सकती है। तो यहाँ पे 168 के में से उसने क्या ऑलरेडी कर रखा है, इफ यू सी 168 में से यहाँ पे बोल रखा है 100 लाख की उसने ऑलरेडी गारंटी दे रखी, तो यहाँ पे 100 लाख की गारंटी दे रखी, यानी कि 168 में से आपको 100 लाख तो गया, और 20 लाख का उसने लोन भी दे रखा है, लेकिन वो लोन किसको दिया है ना, एम्प्लॉइज को दिया। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, जब आप प्रोविजन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आता है लोन टू एनी पर्सन, लेकिन एनी पर्सन के अंदर एम्प्लॉइज नहीं आता है, एनी पर्सन डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय, एनी पर्सन के अंदर एम्प्लॉय आपका माइनस में आता है, तो यहाँ पे 20 लाख आपके माइनस नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो आप 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसलिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है और शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल चाहिए होगी क्या इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल चाहिए होगी क्या, तो PFI की अप्रूवल कब चाहिए होती है, अगर लोन सब्सिस्टिंग होता है, लोन चल रहा है क्या अभी, यस लोन चल रहा है, तो PFI की अप्रूवल चाहिए, एंड साथ में आपको वर्ड रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा। क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी बनी लिमिटेड को, अगर बनी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, तो आपको सारी एग्जेम्पशन लिखनी है, यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, जो भी सेक्शन 186 के अंदर की एग्जेम्पशन है वो सारी आपको लिखनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, वेदर हनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेस्ड ऑन द डेटा, ये हनी इन्वेस्टमेंट जिसमें बनी इन्वेस्ट करना चाहता है, ये आपको बताना है कि हनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए हम क्या देखते हैं कि मेजोरिटी उसने क्या कर रखा हो, मेजोरिटी इन्वेस्ट कर रखा है, एंड जहां इन्वेस्ट की वजह से मेजोरिटी पैसा आ रहा है, तो वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना रहेगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से रिलेटेड, दैट द ग्रुप ऑफ 1500 स्मॉल शेयर होल्डर्स दे आर एंटाइटल्ड टू प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या मैंडेटरी है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना, क्या अगर उन्होंने नोटिस दे दिया तो, और साथ ही मैं आपको बताना है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आया, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा होता है अलिस्टेड कंपनी में अपॉइंट, मैंने अपने मैराथन में भी बताया था क्या था, अलिस्टेड कंपनी में अपॉइंट, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, में अपॉइंट है तो वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है। कब अपॉइंट करेगा, अगर एप्लीकेशन आती है 1000 स्मॉल शेयर होल्डर से, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल, टोटल कितने थे ऊपर केस में लिख रखा था दीदी 20,000 थे, तो यहाँ पे कितना हुआ 1000 शेयर होल्डर्स और 2000 whichever is lower, 1000 लोअर है, एप्लीकेशन कितने लोग भेज रहे हैं, 1500 लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो यस वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं, सबसे पहले तो इट इज वैलिड, आपको प्रोविजन लिखना है। दूसरा मैंडेटरी रहेगा क्या, इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि वहां पे वर्ड आ जाता है लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली टेन्योर कितना होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, आपका टेन्योर रहने वाले 3 ईयर्स का, दिस इज इट, बस इतना सा ही आपका था, बहुत ही इजी था आपका पार्ट भी, थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में घूम सकते थे हम, बिकॉज इतना बड़ा केस ले लिया था और इससे रिलेटेड ना अलग अलग जगह से प्रोविजंस पूछे तो यहाँ पे थोड़ा सा घूम सकते थे। पार्ट ए में नीचे से देखेंगे हम लोग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉर्जरी एंड नेग्लिजेंस एज पर द प्रोविजन। तो इंडोर मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है, ये जो इंडोर मैनेजमेंट है किसको प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स अगेंस्ट कंपनी, पूरा प्रोविजन लिख कर आना है आपको, साथ में इसकी लैंडमार्क केस स्टडी भी लिखते तो अच्छा रहता। लैंडमार्क केस स्टडी थी आपकी तुरकांड वाली, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज तुरकांड, यह आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको एक्सेप्शन पे जाना है फॉर्जरी वाले में, फॉर्जरी में आपको बताना है अगर कोई फॉर्जरी हो जाती, फेक सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता। सेकेंडली अगर नेग्लिजेंस हुई है, कुछ केयरलेसनेस हुई है, तो वहां पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता है। ये दोनों चीज फॉर्जरी में आप केस भी एक्सप्लेन कर सकते थे, जहाँ पे ना साइन फेक कर दिए गए थे बाय कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने डायरेक्टर और CS दोनों के साइन कर लिए थे, बाद में वो शेयर सर्टिफिकेट वॉइड हो गया, तो यहाँ पे आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में ये बात करता है कि कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है, क्या वो वैलिड है या फिर वैलिड नहीं मानी जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बारी।
क्या बोला गया है, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी के अंदर 2000 मेंबर्स हैं। कितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजी है, 320 मेंबर्स ने एप्लीकेशन यहाँ पे भेजी है। ठीक है चलो ओके जी। अभी कैसे करोगे, यहाँ पे पहले हमें पता चल गया दैट इट इज कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अपन को पता ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का अलग है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग है। तो हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स थे यहाँ पे हमारे, 2000। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, 2000 का 1/10 क्या हो गया, 200 और 200 विच एवर इज लोअर। तो एप्लीकेशन कितने लोग भेजने चाहिए, 100 लोग भेजेंगे तो भी चलेगा। कितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, 320 मेंबर्स ने एप्लीकेशन भेजी है। ओके 320 मेंबर्स ने भेजी, यानी कि ये जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल तो 100% है। बाद में बताया गया है कि आपको बताना अगर सब्सिक्वेंटली 320 में से 160 मेंबर्स ने अपनी एप्लीकेशन हटा दी है, विड्रॉ कर दिए कंसेंट, तो क्या हुआ। देखो 320 में से अगर 160 ने विड्रॉ भी कर दिए तो कितने लोग बचे, 160 तो है। अगेन यहाँ पे आपने विड्रॉ कर दी तो वो माना नहीं जाता, यहाँ पे आपकी पिटीशन मेंटेनेबल होगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है जो बोलता है सुरेश ने एमबीए किया है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से और अभी वो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप उसे एक्सप्लेन करो क्या डिफरेंस है दोनों कंपनीज में। कल वार्म अप सेशन में मैंने बताया था तो डिफरेंस आता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। सो ट्राई टू राइट इन दैट टेबल फॉर्मेट, आपको पूरा टेबल फॉर्मेट में लिखना है और साथ ही में आपको बेसिस भी लिखने हैं वहाँ पे। ठीक है तो अगर टेबल फॉर्मेट में लिखा है, बेसिस लिखा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, एकदम फुद्दू क्वेश्चन था, 5 मार्क्स आ सकते हैं। कितने लोग चाहिए होंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, डायरेक्टर्स कितने चाहिए होंगे, प्राइवेट कंपनी में आप बता सकते थे लिमिटेशन प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई भी LPR नहीं होते। बहुत ही ईजी पीजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4A आपके पास। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रॉकस्टार लिमिटेड एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में, साथ ही में अपना उसने एक एस्टेब्लिशमेंट जर्मनी में सेट कर रखा है। लोन लिया था जर्मन बैंक से, एक चार्ज क्रिएट किया था ऑन द असेट्स ऑफ फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है कंपनी को नोटिस आता है ROC से कि आपने आपके चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया और ना ही चार्ज की डिटेल्स भेजी है। कंपनी डिफेंड करना चाहती ये बोल के कि कंपनी को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे जो असेट्स है वो इंडिया में तो है ही नहीं, वो असेट्स तो आउट ऑफ इंडिया में है। इन दैट केस आपको बताना है क्या कंपनी सही है या फिर कंपनी सही नहीं है। तो सबसे पहले चार्ज में याद करो सेक्शन नंबर 77 बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज को रजिस्टर कराना जरूरी है, चाहे आपके असेट इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही चार्ज क्रिएट किया हुआ है आपको चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा, यू हैव टू रजिस्टर द चार्ज। कितने दिनों के अंदर चार्ज रजिस्टर कराना है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको चार्ज रजिस्टर कराना होता है। नहीं करा सकते अगेन आपको 30 डेज मिलते हैं, फिर आपको और टाइमलाइन मिलती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में कराना है, CSG1। तो सीधा साधा प्रोविजन क्या बोलता है यहाँ पे, दैट चार्ज रजिस्टर होना चाहिए। आपको बताना है क्या टाइमलाइन है बिना एक्सटेंशन के, कैसे चार्ज रजिस्टर होगा, फॉर्म्स के बारे में बताना, और अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। भले ही ऊपर इतनी बड़ी केस स्टडी दी है लेकिन क्वेश्चन कैसा आया है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो अगर आप नर्वस नहीं हुए होंगे, काम माइंड से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे चुके होंगे। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है ये कुछ पर्सन से, क्या वो ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकते हैं क्या। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टर्स ऑफ MNO लिमिटेड वांट टू अपॉइंट केशव को अपॉइंट करना चाहते हैं फेलो मेंबर ऑफ ICAI एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नवीन उसका एक पार्टनर है, नवीन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ केशव फर्म, उसने गारंटी दे रखी 1.10 लाख रुपीज की इन कनेक्शन ऑफ इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू अ सब्सिडियरी। केस क्या है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते केशव को, केशव की जो फर्म है उसका एक पार्टनर है नवीन, उसने गारंटी दे रखी है किसी तीसरे पर्सन की इनडेप्टनेस की। अभी आप मुझे बताओ क्या अपॉइंट हो सकता है क्या केशव एज एन ऑडिटर। तो याद करो सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, वो बोलता है अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर इनडेप्टनेस की गारंटी दे रखी किसी थर्ड पर्सन को इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो वहां पे क्या होगा,
ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड, वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर. दूसरा बोला है डायरेक्टर्स ऑफ डीएफ लिमिटेड वांट टू अपॉइंट आर्यमान अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर. लेकिन आर्यमान कंपनी को इनडेप्टेड है, जिस कंपनी का आप उसे अपॉइंट करना चाहते हो उसी कंपनी को इनडेप्टेड है. कितना? 4,95,000. क्या आप आर्यमान को ऑडिटर बना सकते हो? नो, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. नहीं, इनडेप्टनेस एक्सीड कर रही है 1,00,000 रुपीज, आप आर्यमान को आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते हो. नेक्स्ट क्या है? मंजू इज वर्किंग एज अ परचेज मैनेजर इन आरएसटी लिमिटेड. डायरेक्टर्स आरएसटी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट वैभव हस्बैंड ऑफ मंजू एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी. तो मंजू एक एम्प्लॉय है जो परचेज मैनेजर की तरह काम कर रही है. ठीक है, आरएसटी लिमिटेड चाहते हैं कि मंजू के जो हस्बैंड है वो अपॉइंट हो जाए एज एन ऑडिटर. तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होगा क्या? तो ध्यान रखना, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे मंजू क्या है? एम्प्लॉई है. अगर मंजू डायरेक्टर होती या फिर केएमपी होती तो वैभव अपॉइंट नहीं हो सकता था एज एन ऑडिटर. लेकिन मंजू तो सिर्फ एक आम एम्प्लॉय है, और अगर वो एम्प्लॉय है तो उसका रिलेटिव अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. हियर वैभव इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. आई होप ये आंसर्स आपने सही किए होंगे और आपको समझ आ गया होगा प्रोविजन. अगर आप प्रोविजन भी लिख कर आए हो तो यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये था आपके चैप्टर नंबर इंस्पेक्शन वाले से, इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर था. यहाँ पर भी ना मिक्स क्वेश्चन पूछे थे, हर एक सेक्शन से यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे गए. इस बार कंपनी लॉ के पेपर में हालांकि काफी मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. इस केस में क्या हुआ था? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी. इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रिब्यूनल को लगा कि रिमूवल ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ फंड्स हो सकता है यहाँ पे, जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं. ट्रिब्यूनल ने रिक्वेस्ट करी कंपनी के एडवाइजर्स को कि आप डिस्क्लोज करो, कुछ कॉपी दे दो हमें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए. ठीक है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है. अभी ट्रिब्यूनल चाहता है कि वो ऑर्डर पास करे, पहला एसेट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर, दूसरा वो पनिश करना चाहता है कंपनी को क्योंकि उसने कॉन्ट्रावेंशन किया, उनकी बात नहीं मानी है, और थर्ड वो लीगल एडवाइजर्स को कंपेल करना चाहता है, बैंकर्स को कंपेल करना चाहता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोविजन आता है फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी तो सेक्शन नंबर 221 लगेगा, द ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी के एसेट्स को फ्रीज कर सकता है. पनिश द कंपनी, यस कंपनी ने बात नहीं मानी, वो पनिश करना चाहे तो कर सकता है. सेक्शन नंबर 450 बोलता है दैट कंपनी कैन बी पनिश्ड बिकॉज उसने ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी, और यहाँ पे उस पर पेनल्टी लग सकती है. क्या वो लीगल एडवाइजर्स को कंपेल कर सकता है, बैंकर्स को कंपेल कर सकता है क्या इन्फॉर्मेशन के लिए? सी, देयर इज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन. अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपकी ड्यूटी होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी रहेगी. हर एक एम्प्लॉय की, हर एक ऑफिसर की यहाँ पे ड्यूटी होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो बैंकर्स है ना, ये बैंकर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन को वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन इधर उनकी ड्यूटी होती है. तो आपको ये सारे प्रोविजन एक्सप्लेन करने थे यहाँ पे. नेक्स्ट पर जाते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑडिटर. यहाँ पे हुआ क्या था? बेसिकली एक कंपनी थी जिसमें 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है. 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने ऑडिटर के साथ मिलकर अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया है. तो बाकी डायरेक्टर्स को पता चला, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी को सो दैट वो ऑडिटर को रिमूव कर पाए. अभी यू हैव टू एडवाइज, क्या ट्रिब्यूनल एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू एंटरटेन द एप्लीकेशन ऑफ फ्यू डायरेक्टर्स कि वो ऑडिटर रिमूव कर पाए? क्या उन्होंने सही किया है ट्रिब्यूनल को? यस, ट्रिब्यूनल इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. आप ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन भेज सकते हो. ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी ऑडिटर को हमारे रिमूव करा सकता है, और एक किसी की एप्लीकेशन आने के बाद भी करा सकता है. तो यहाँ पे आपको आंसर करना है यस, एकदम सही अथॉरिटी. साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रहेगा अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना रिमूव करना चाहते हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विल द ऑडिटर, जिस ऑडिटर को आपने रिमूव किया है, विल ही बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अनदर कंपनी? अगर ट्रिब्यूनल वो उससे रिमूव कर देती तो क्या दूसरी कंपनी में जा सकता है क्या? नहीं, ही कैन नॉट गो टू अनदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल तक तो वो किसी दूसरी कंपनी में अपॉइंट ही नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर. ठीक है, ईजी था ये भी हमारा, डायरेक्ट आपके ऑडिटर वाले चैप्टर से पूछा था. ओके, ये क्वेश्चन है आपका
जिसमें आपको सीधा साधा पूछा गया बोनस के बारे में। ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज अबाउट अ बोनस और आपको कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना था कि बोनस शेयर्स का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है। हियर यू हैव टू एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 62। बोनस मिलता है फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, CRR से। ये क्या है? बोनस है। आप एडिशनली किसी को कुछ देते हो और आपको बोनस के प्रोविजंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। तो पूरा सेक्शन 62 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। अभी ना एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है क्या ये डिपॉजिट्स है या फिर डिपॉजिट्स नहीं है। सबसे पहला है, यहाँ पे बोला गया है कि तिवारी लिमिटेड ने 12 लाख रुपीस को रेज किया है। कैसे रेज किया है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से। ओके, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब क्या मैं कह सकती हूँ वो अनसिक्योर्ड? यस। और साथ ही में वो लिस्टेड भी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। तो तीन चीजें आपको लिखनी है, अनसिक्योर्ड है, NCD है और लिस्टेड है। वो डिपॉजिट्स होंगे या नहीं होंगे? तो डिपॉजिट के डेफिनेशन में साफ साफ एक्सक्लूड किया है, डिपॉजिट डज नॉट एक्सक्लूड में अनसिक्योर्ड NCDs और लिस्टेड डिपॉजिट नहीं होते। सो इट इज नॉट अ डिपॉजिट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेशनल रेफ्रिजरेशन लिमिटेड को 2 करोड़ रुपीज रिसीव हुए फ्रॉम मिस्टर अंकिन ताकि वो सप्लाई कर सके 2000 फ्रिज की, और उन्होंने एडवांस अमाउंट दिया है। कब सप्लाई करनी? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 390 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांस। जब से एडवांस मिला वहां से 390 डेज मिला। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का प्रोविजन याद रखना है, जब भी आपको एडवांस मनी रिसीव होता है तो कंडीशन क्या, आपको सारे गुड्स को सप्लाई करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज। 365 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। अगर 365 डेज से ज्यादा हो जाता है तो वो डिपॉजिट कहलाएगा। अगर 365 डेज में कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 365 डेज में नहीं किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या 2 करोड़ डिपॉजिट माने जाएंगे? यस, 2 करोड़ विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है। चलो एक लास्ट क्या बोलता है, ललित सीज टू बी अ डायरेक्टर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड का, उसने रेजिग्नेशन दे दिया और ललित अब डायरेक्टर नहीं है विद इफेक्ट फ्रॉम 15th of June 2023। कंपनी को रिसीव हुए 50 लाख रुपीज फ्रॉम प्रिया। प्रिया कौन थी? ललित की स्पाउस थी। ऑन 10th of June 2023, 10 June 2023 को उसको क्या मिला है? पैसा मिला है, पैसा दिया। एंड द अमाउंट वॉज सेल्फ अर्नड सेविंग ऑफ मिस्टर प्रिया एज पर हर डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, ललित ना डायरेक्टर नहीं है। कब से ललित डायरेक्टर नहीं है? 15th of June 2023 से अभी ललित डायरेक्टर नहीं है। कंपनी को 50 लाख रुपए प्रिया से मिला है, तो यहाँ पे डायरेक्टर से नहीं मिला, आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे पैसा कहाँ से मिला है? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से मिला है। कब मिला है? 10th of June 2023 को मिला है, कोई बात नहीं। और लेकिन वो अमाउंट था ना, वो सेल्फ अर्नड था। बोला है प्रिया के खुद की सेविंग थी, उसने डिक्लेरेशन दिया। जब आपने डिक्लेरेशन दिया है कि आपका खुद का फंड है, आपका ओन्ड फंड है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपने किसी से लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका ओन्ड फंड है तो फिर वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इतना सा था आपका। अगर प्रोविजंस क्लियर है तो ये चीजें आंसर्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बात करता है ना रजिस्टर के बारे में, आपको बताना है कि क्या क्या कंप्लायंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्या आप मेंटेन कर सकते हो? यस, आप मेंटेन कर सकते हो। पूरा आपको वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें बतानी। फिर पूछता है क्या ऑप्शन है, अगर आप ये फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो है उसे मेंटेन करके डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, अभी आप नहीं चाहते वो, तो आपको डिसकंटिन्यू करना है, यू कैन। बट ध्यान दे, सारी की सारी एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर करनी है? जितनी भी एंट्रीज, इट मस्ट ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल रजिस्टर में वो ट्रांसफर हो जाए। बस एक तू सा था, ईजी था, कम मार्क्स के लिए पूछा गया था, मैनेजेबल है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा बड़ी केस स्टडी दी है वो थोड़े से ट्रिकी थे आपके। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कंपनी है जो बायबैक करना चाहती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, बट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। किस चीज में? टर्म लोन का पेमेंट करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, साथ ही में उसने एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करी है। कंपनी आपसे पूछती है कि कब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बायबैक में कंडीशंस प्रोहिबिटिंग बायबैक, कब कंपनी बायबैक नहीं कर सकती थी, ये वाला प्रोविजन यहाँ पर जाएगा। उसमें क्या था, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो वो बायबैक नहीं कर पाएगी। डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट को सही कर दिया है, तो आपको 3 साल, जब से सही किया वहां से 3 साल का गैप हो जाना चाहिए, ये प्रोविजन एक्सप्लेन करना था आपको। सेकेंडली, अगर आपने आपके एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, तो जब तक आप आपके एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करोगे आप बायबैक नहीं कर सकते हो, ये पूरा प्रोविजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है आपका,
एक कंपनी है सनराइज ऑनलाइन कोचिंग लिमिटेड, ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? सिंगापुर में, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, ऐसा बोलते हैं। हाउएवर वो ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज दे रही है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे रही है, कुछ फीस चार्ज कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स से जिन्होंने उनका कोर्स कहाँ से ऑनलाइन ज्वाइन किया, इंडिया से। रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में है, मेन सर्वर जो है वो ऑनलाइन कोचिंग आउटसाइड इंडिया। आपको बताना है कि कंपनी कौन सी, कंपनी का क्या स्टेटस है, तो आपको ध्यान आना चाहिए बेटा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में बोलता है इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर इटसेल्फ थ्रू एजेंट और क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, भले ही यहाँ पे फिजिकली नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। आपको बताना है दैट इट विल बी एज अ फॉरेन कंपनी। थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया था ये बोल के कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो यहाँ पे आपको घूमना नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज वो किसको दे रही है, इंडिया के बच्चों को ही दे रही है। तो सारी ऑनलाइन सर्विसेज जब वो इंडिया के बच्चों को दे रही है तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस का है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इसलिए वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बात करता था कि एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है, वो बार बार क्या करना चाहती है, शेयर्स इशू करना चाहती है, रेज करना चाहती है अलग अलग स्टेजेस में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी, द कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू इशू प्रोस्पेक्टस। हर बार वो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाह रही थी एवरी टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो अब कंपनी के पास क्या वे सो दैट रिपीटेड इशुएंस ऑफ शेयर प्रोस्पेक्टस ना हो, तो हमें दिमाग में आना चाहिए रिपीटेड इशू कब नहीं करना पड़ता प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और यहाँ पे आपको पूरा शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन करना था, अगैन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऊपर बस ऐसे ही राम कथा दे रखी है। मैंने बोला था यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पी लिमिटेड एक होली ऑन सब्सिडरी है क्यू लिमिटेड की, ये जो कंपनी है पी लिमिटेड वो एक एप्लीकेशन भेजना चाहती है फॉर द मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। पी लिमिटेड चाहती है सेक्शन 232 के अंदर, रेड विद सेक्शन 230, जो सीएसए क्यू लिमिटेड का ही इज सेइंग कि कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती मर्जर के लिए एज पर सेक्शन 232, क्योंकि मैंडेटरी उसे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर एज पर सेक्शन 233। अभी आपको बताना है क्या कंपनी सेक्रेटरी का कंटेंशन सही था। तो सबसे पहले तो बेटा सेक्शन 233 के अंदर आप चाहो तो कर सकते हो, एक होल्डिंग कंपनी होली ऑन सब्सिडरी फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकती है, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। तो आप चाहो तो सेक्शन 232 का भी सहारा ले सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो। बेसिकली सेक्शन 233 सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल वे में यहाँ पे हो जाता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। 3-3 मार्क्स के काफी इजी क्वेश्चंस थे कि मैनेज हो जाते हैं। अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा आपका, चलो ये इतना बड़ा केस दिया गया था आपको राइट क्वेश्चन नंबर 1 में, विच आई सेड कि बहुत कंफ्यूजिंग देते हैं वो बच्चों को, ताकि वहीं पर ही आधा दिमाग खराब हो जाता है। केस में काफी सारी बात करी गई थी, अभी हम एक एक करके देखते हैं क्लियर हो जाएगा हमें। कॉम्प्रोमाइज की, अरेंजमेंट की, डिविडेंड कितना दे सकते हो, ये सारी बातें कही गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है क्या स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अप्रूव हो गई बाय द रिक्वेस्टेड मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको किसका रेफरेंस देना है, सेक्शन नंबर 230 का रेफरेंस लेना था। आपको बताना था कब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अप्रूव हो जाती है, अब कितने लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स कितने रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोविजन देना था। 90% ऑफ वैल्यू अप्रूव कौन करेंगे, मेजोरिटी ऑफ पर्सन विच शुड बी इन 3/4 इन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीजर से रिलेटेड। सीजर से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है कि कंपनी ऐसा बोलती है कि रजिस्ट्रार के पास कोई भी पावर नहीं है वो आ सके प्रीमाइसेस में और सीज कर सके रिकॉर्ड विदाउट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट, बिना स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल के। तो क्या कंपनी का कंटेंशन वैलिड है, सेक्शन नंबर 209 बोलते हैं यस कंपनी का कंटेंशन वैलिड है, उसको सिविल कोर्ट का ऑर्डर तो चाहिए। सी अगर आप सीज करना चाहते हो तो सीज करना बहुत बड़ी बात है, आप सीजर कर सकते हो, लेकिन आपको किसका अप्रूवल चाहिए, सिविल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होगा फिर आप सीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर सीजर का प्रोविजन एक्सप्लेन करना था, 180 डेज के लिए आप सीज कर सकते हो, फिर फर्दर 180 डेज मांग सकते हो, सीजर में साथ में क्या क्या कर सकते हो, ये सारे प्रोविजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने थे। मैक्सिमम रेट क्या होगी जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, एक्स वाई जेड लिमिटेड की मैक्सिमम रेट क्या है, तो उधर डिविडेंड दे रखा था क्वेश्चन में, दे रखा है कि पिछले 3 साल का कितना डिविडेंड है, ठीक है।
तो आपको एवरेज निकालना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालना था, विच आई हैव डन फॉर यू। हमने एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकाला है, 12% है। उधर भी ध्यान देखना, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉ शिल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और बैलेंस कितना रहना चाहिए रिजर्व में सब कुछ के बाद, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें बतानी यहाँ पे, तो अभी मैक्सिमम रेट भी चलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जो भी अमाउंट आया है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यू हैव टू स्पेसिफाई कि कितना अमाउंट यहाँ पे आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है कि सारी फॉर्मेलिटीज बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करने से पहले की और बाद की। अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी वो आपको बताना है, क्लैरिफाई करना है, मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होगी या फिर नहीं चाहिए होगी, एकदम सीधा साधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में भले ही केस स्टडी बहुत बड़ी थी लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन था। जस्ट लेट मी नो फॉर श्योर कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन, हार्ड लगे, ईजी लगे, मैनेजेबल था, लेंदी लगा पेपर, सब आता था पर छूट गया, कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कितने आंसर्स आप सही कर कर आए हो, आपको एनालिसिस करने के बाद क्या लगा कि नैया पार हो जाएगी ना, इस बार एग्जेम्पशन आ जाएगी ना, क्या फील हो रहा है, जस्ट लेट मी नो। और अगले पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, खूब खूब अच्छे से पढ़ो, मेक योर सेल्फ प्राउड, खूब खूब अच्छे से पढ़ो, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, बाय बाय।